हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको साड़ी बनाना सिखाऊंगा। और ये हमारे पास साड़ी का अस्तर और फैब्रिक है। साड़ी का कपड़ा 5.5 मीटर और अस्तर 1.5 मीटर है। हमने अस्तर को क्रेप और शैंटून लिया है, दोनों को आपस में स्टिच कर लिया है। ये देखिए सिलाई मार के, और इसमें हम अपनी प्लेटिंग के निशान लगा लेंगे। तकरीबन 1 इंच छोड़ के आगे की तरफ हमारी कमर है 32, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम 1.5 इंच गहरी डॉट लगाएंगे, तकरीबन 1.5-3 इंच गहरी डॉट लगाएंगे। और इस तरीके से हम पूरी कमर को मेज़रमेंट कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो डॉट लगाने में। इसलिए काउंटर पर बिछा के इसको सीधा करके हम डॉट के निशान पहले कपड़े पे ले लेंगे अस्तर पर, और फिर इसके बाद इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रखेंगे। इसमें हम तकरीबन 5 डॉट लगाएंगे, और डॉट की लेंथ आप 5 से 6 इंच तक ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम डॉट के निशान लगा ले रहे हैं। और इस पे हमारा जो साड़ी का मेन फैब्रिक है उसको हम रखकर इस तरीके से डॉट के निशान लगा लेंगे, और मशीन की मदद से हम इसमें सिलाई मारेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो है नेट का सीक्वेंस फैब्रिक, प्योर वाइट है। ये देखिए वीडियो में कलर शायद थोड़ा चेंज हो, और बहुत प्यारी साड़ी बन के आई है। वीडियो में मैंने लास्ट में इसकी फुल डिटेल वीडियो डाल दी है, और ये हमने इस पे फैब्रिक पे डॉट्स लगा ली हैं। ये देखिए इस तरीके से डॉट लगाई हैं, 1.5 इंच गहरी, मतलब 3-3 इंच गहरी डॉट्स, और हमने इस पे डॉट इसलिए लगाई हैं। अब हम बाकी का काम अपना मैनिक्योर यानी डमी के ऊपर करेंगे। ये हम 32 कमर को एक बार मेज़रमेंट कर लेंगे। ये देखिए 32 हमारी कमर के हिसाब से हमने प्लेटिंग कर ली है। प्लेटिंग करने के बाद में ये देखिए हमारा 5.5 मीटर का पूरा फैब्रिक है। ये हमने डमी के ऊपर इसमें नॉर्मल प्लेटें जैसे डलती हैं वैसे डाल ली हैं। ये देखिए तो 3, 4 और 1 5 प्लेट हैं। टोटल में हम इसमें 6 से 7 प्लेट डालने वाले हैं। और जो ऊपर की प्लेट है हमारी फ्रेंड, वो है मेन प्लेट होती है, जिसमें हमने अस्तर लगाया ताकि हमारी भी साड़ी का जो है कलर शेड फेड ना हो। ये देखिए अब हमें करना ये है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक प्लेट को ऊपर की तरफ उठा के पिन लगा लेनी है, ताकि हमारी, आपने देखा होगा बहुत सी सेमी स्टिच साड़ियों में जो ऊपर की मेन प्लेट होती है वो खुलने लगती है, यानी पहनते वक्त फटना शुरू हो जाती है, उससे साड़ी का पूरा गेटअप ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखना है, और हम इसको पिनअप कर लेंगे। और ये देखिए पूरी प्लेटिंग हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से बैठी हुई है। इस पर हम पिन लगा के रोक लेंगे। आप वीडियो स्किप मत करना फ्रेंड, वीडियो आपके लिए ही है। मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप लोग वीडियो देखते हैं फ्रेंड तो लाइक भी करा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि आप किस तरीके की वीडियो पसंद करते हैं, ताकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ये देखिए प्लेटिंग कितनी प्यारी, नीचे तक एकदम बेहतरीन फॉल आ रही है इसमें। ये देखिए जब क्लाइंट पहनेगा तो उसके ऊपर भी एकदम बेहतरीन तरीके से आएगी। और हमने ये पिन लगा ली है। इन पिनों को हटाने से पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, और हाथ से कच्चा लगा लेंगे, ताकि हम मशीन पे स्टिच करते वक्त हमारी प्लेटिंग खुले ना। इसको हम इक्वल कर लेंगे फ्रेंड। ध्यान रहे हमें जो ऊपर की मेन प्लेट होती है उसको 1 से 1.5 इंच तक उठाना है, ताकि हमारी प्लेट एकदम इक्वल बैठ जाए, और किसी भी तरीके की कोई प्लेटिंग में दिक्कत ना आए, क्योंकि साड़ी में मेन प्लेटिंग का काम होता है फ्रेंड। और प्लेटिंग ही अगर ठीक ना बैठी तो साड़ी की पूरी लुक ख़राब हो जाती है। फ्रेंड हमारा, मैंने और भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हैं आर्मोल लेंथ के लिए और शोल्डर के लिए, हर तरीके की वीडियो लोड की है। आप मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है फ्रेंड, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। और हम इसको हाथ से कच्चा कर लेंगे, ताकि हमें सिलाई लगाते वक्त आसानी हो, जहाँ प्लेट बैठी है वहीं बैठी रहे जब हम इसको डमी से उतारेंगे। और मैंने फ्रेंड इसकी फुल डिटेल वीडियो जो है
पूरी साड़ी की इसी में डाल दी है। लास्ट में आपको हम पूरी वीडियो दिखा देंगे। इसका वाइट कलर का ब्लाउज़ है और बेल्ट भी बनाई है हमने, बहुत ही प्यारी लुक लग रही है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी साड़ी बनकर तैयार है। इसमें देखिए फ्रेंड, प्लीटिंग जो है एकदम इक्वल आई है, कहीं से कोई प्लीटिंग में ऊपर नीचे नहीं है। और साड़ी हमारी प्योर वाइट कलर की है, सीक्वेंस फैब्रिक है फ्रेंड, काफ़ी कॉस्टली फैब्रिक है। और वाइट कलर का ब्लाउज़ है जिसमें हमने लटकन लगाई है वाइट कलर की, और साड़ी की एक सुंदर सी बेल्ट बनाई है जो बीच में लगी है। फ्रेंड हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।